Assalamu alaikum. Today I'm conducting the lecture of class 5. Open your computer book. Chapter number 4. In previous class we have learned about header and footers. Ke header aur footers kya hote hain, wo hum kyun use karte hain aur iske pure steps ke hum footer aur header ko kaise insert karenge apne document mein. Ye pure steps humne follow kiye the. To aaj ke lecture mein hum seekhenge adding time and date. Clear? Ke hum time aur date kaise insert karenge apne document mein jab humne header aur footer ko insert kiya hai to uske andar hum date aur time ko kaise insert karenge. Ye pure steps hain jo hum follow karenge apne इस लेक्चर में कि हम फुटर और हेडर में डेट और टाइम को कैसे इंसर्ट करेंगे. ठीक है, सबसे पहले ओपन करेंगे हम अपना वर्ड डॉक्यूमेंट. एक ब्लैंक वर्क डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे. जैसे हमने ये ओपन किया उससे सबसे पहले हम उसमें इंसर्ट करेंगे हेडर एंड फुटर. इंसर्ट टैब में जाकर हेडर और फुटर को हमने इंसर्ट कर दिया. ये हेडर हमारे पास इंसर्ट हो गया. अब यहाँ पर हमें ऐड करना है टाइम और डेट. तो टाइम और डेट को इंसर्ट करने से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे इंसर्ट टैब में. इंसर्ट टैब में जाकर वहाँ पे कॉर्नर में टेक्स्ट ग्रुप में यहाँ पे हमारे पास टाइम का एक आइकन नज़र आ रहा है. टाइम का एक आइकन नज़र आ रहा है, इसे हम क्लिक करेंगे. जैसे हमने इसको क्लिक किया तो डेट एंड टाइम एक डायलॉग बॉक्स हमारे पास ओपन हो गया. हमारी स्क्रीन पे आप ये देखें, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है टाइम एंड डेट का. इस डायलॉग बॉक्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेट अवेलेबल हैं डेट और टाइम की, कि हम कौन सी डेट और टाइम जो है अपने डॉक्यूमेंट में कौन सा फॉर्मेट इंसर्ट करें. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने ये फॉर्मेट इंसर्ट किया है, इसे क्लिक करूँगी और यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं अपडेट ऑटोमेटिकली. अपडेट ऑटोमेटिकली का मतलब होता है जब मैंने इसे क्लिक किया तो जैसे ही हमारी टाइम जो होगी अपडेट होती जाएगी. जैसे आज 24 डेट है, तो जैसे हमने अपडेट ऑटोमेटिकली किया है तो कल हमारी जो डेट होगी, नेक्स्ट जो डे होगा उसमें हमारी डेट 25 हो जाएगी. तो ऑटोमेटिकली हमारे डॉक्यूमेंट में वो डेट क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी. हमें रोज़ उस डॉक्यूमेंट में जाकर वो डेट जो है ना चेंज करने की नीड नहीं होगी. वो ऑटोमेटिकली जितने दिन गुजरते जाएंगे वो उसका डेट टाइम और ईयर हर चीज़ की, हर मंथ की उसकी चेंजिंग होती जाएगी. इसलिए मैंने यहाँ पे अपडेट डॉक्यूमेटिकली को क्लिक किया है. ओके, जैसे मैंने क्लिक किया तो हमारे पास डे आज क्या है, ट्यूसडे आज डे है, मार्च है 24, 2020. जो आपका करंट डेट होगी, टाइम वो दिन होगा, मंथ्स होगा, ईयर होगा, वो आपका शो हो रहा है और ये अपडेट होता जाएगा ऑटोमेटिकली. जैसे ही दिन गुजरते जाएंगे ये ऑटोमेटिकली, जैसे 24 है आज, कल डेट होगी 25, 26, ऐसे अपडेट होती जाएगी. ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा ऐड हो गया डेट और टाइम और इसे हम सेव करेंगे. तो हमारे डॉक्यूमेंट में क्या हो जाएगा, डेट और टाइम क्या हो जाएंगे, सेव हो जाएंगे. थैंक यू.